हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड होंगे और जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। जैसे कि कर्नाटक में पाषाण युग में बनाए गए ऐसे घर जिनके बनाने के पीछे का मतलब आज तक तो कोई भी नहीं समझ पाया, और 2000 साल पुरानी ऐसी कॉस्मेटिक क्रीम जिसमें ठीक वही इंग्रेडिएंट्स है जो आज के क्रीम में होते हैं। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आजकल हर कोई सुंदर और स्मार्ट दिखना चाहता है, और इसी खूबसूरत दिखने की चाह में लोग क्रीम्स और कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और चेहरे पर लगाते हैं। लेकिन हम इंसानों की खूबसूरत दिखने की एक कोशिश कई हजारों साल पहले ही शुरू हुई थी, और इसका सबूत है 2000 साल पुराना ये क्रीम का बॉक्स। क्रीम का ये बॉक्स मिला था रोम में। शुरुआत में ऐसा लगा था कि इस क्रीम का इस्तेमाल किसी और काम में किया जाता होगा, लेकिन जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसमें स्टार्च और एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है, जो किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जिससे ये साबित हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक फेस क्रीम थी। इस बॉक्स में उंगलियों के निशान भी मौजूद है जो शायद उस महिला के होंगे जिसने आखिरी बार इस क्रीम का इस्तेमाल किया था। बात अगर कॉस्मेटिक क्रीम्स की हो तो भारत इसमें पीछे कैसे रहेगा। भारत की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं का मुकाबला शायद ही उस समय की बाकी किसी देश की महिलाएं कर पाती हो। यहाँ हुए एक्सकवेशन में ऐसी चीजें मिली है जो इस सभ्यता की महिलाएं चेहरे पर मेकअप लगाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ कई तरह के आईने मिले हैं, हेयर पिन जैसी कई चीजें मिली है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं ड्रेसिंग टेबल का भी इस्तेमाल किया करती थी। धूप से आंखों को बचाने के लिए हम सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे मुकाबले सनग्लासेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उन क्लाइंबर्स को जो बर्फीली चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऊपर से पड़ने वाली सूरज की रोशनी और बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी से उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस कंडीशन को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसी वजह से ऐसी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ाई करने वाले एक्सप्लोरर के लिए सनग्लासेस पहनना बहुत ही जरूरी चीज बन जाती है। लेकिन आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इस तरह के सनग्लास का इस्तेमाल इंसानों ने काफी पहले से ही शुरू कर दिया था। ठीक ऐसा ही एक सनग्लास रखा है लंदन के साइंस म्यूजियम में, जो 1801 में बनाया गया था। इन स्नो ग्लासेस को रखने के लिए एक केस भी बनाया गया था जो कि लकड़ी का था। ये बात तो सबको पता है कि एंशियंट पीरियड में भारत के लोग चप्पल और सैंडल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की कंपनियां आपको जो सैंडल्स बेच रही है वो एग्जैक्ट कॉपी है ऐसे सैंडल्स की जो भारत में 900 साल पहले लोग पहना करते थे। फुटवेयर का इतिहास सिर्फ यही तक नहीं है। रामप्पा मंदिर में मौजूद ये हाई हिल की सैंडल पहनी महिला बताती है कि भारतीय महिलाएं सैकड़ों साल पहले भी फैशन के लिहाज में कहीं भी पीछे नहीं थी। वैसे देखा जाए तो पादुका का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है, और दुनिया भर में सैकड़ों साल पहले चप्पल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारत ही वो इकलौता ऐसा देश था जहां हाई हील्स इस्तेमाल की जाती थी। चीनी लोगों की फितरत आज हम इंडियंस को पता चल चुकी है। चीन ने आज तक भारत को सिर्फ धोखा ही दिया है, फिर बात चाहे गलवान घाटी की हो या फिर किस्सा हो 1962 का, जब चीन ने भारतीय सैनिकों के पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन चीनी लोगों की इस फितरत का पता भारतीय लोगों को 700 साल पहले ही लग चुका था, जिसका सबूत है श्रीरंगम मंदिर में बनी ये मूर्ति, जिसमें साफ तौर से एक चीनी व्यापारी एक भारतीय को पीछे से चाकू मारते हुए दिखाया गया है, जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है चीनी लोगों की नियत का। इस शिल्पों के जरिए मानो उस समय के शिल्पकारों ने ये बताने की कोशिश की है कि चीनी लोगों से ना ही कोई व्यापार करो और ना ही उन पर भरोसा करो, अगर करोगे तो सिर्फ धोखा ही मिलेगा। यह एक और गौर करने वाली बात यह है कि चीनी लोग हम भारतीयों से उस समय इतने पीछे थे कि उनकी चप्पल तक पहनने की औकात नहीं थी। अब हम आपको बताने वाले हैं पत्थरों के ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो आज से 3200 साल पहले बनाए गए थे। बड़े बड़े मेगालिथिक स्टोन से बने इन स्ट्रक्चर्स को डोलमंस कहा जाता है। ये डोलमंस हम्पी से 30 किलोमीटर दूर बसे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक बरियल चेंबर के रूप में बनाए गए थे। इनमें से ज्यादातर डोलमंस पाषाण युग में बनाए गए थे, लेकिन कुछ डोलमंस का निर्माण आयरन एज में भी किया गया था, क्योंकि कुछ पत्थरों की फिनिशिंग इतनी स्मूथ है कि ये सिर्फ लोहे के औजारों से ही की जा सकती थी। यहाँ के स्थानिक लोगों की इन डोलमंस को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग मान्यता है। उनका मानना है कि ये कोई बरियल चेंबर्स नहीं थे, बल्कि ये सारे घर थे, और ये घर बौने लोगों ने बनाए थे जो उस वक्त यहाँ रहा करते थे।
चाहे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन डोलमेंस को बरियल चेंबर्स घोषित कर दिया हो, लेकिन इस जगह से आज तक एक भी हड्डी का टुकड़ा नहीं मिला और ना ही किसी इंसान को यह दफन करने के कोई सुराग मिले हैं। और यही से इन संरचनाओं का रहस्य गहरा हो जाता है। इन डोलमेंस का आकार इतना छोटा है कि इंसान इनका इस्तेमाल रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, और किसी भी कब्र को ऐसे खुले रखने का कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं दिखाई देता, और वो भी तब जब जंगली जानवर यहाँ भारी तादाद में मौजूद हो और ना ही किसी कब्र को ऐसे छत बनाने की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है, पत्थरों से बने इन डोलमेंस का इस्तेमाल 3200 साल पहले इंसान कैसे किया करते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए लाइक, और अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।